न्यूज ये आई है कि जुलाई 2022 में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आउटफ्लो देखा गया है 457 करोड़ का। क्या है इसका मतलब? जिन लोगों ने अपने पैसे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में लगाए हुए थे, उन्होंने अपने पैसे निकाल लिए और उन्होंने वो पैसा किसी अन्य प्रकार के इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। हो सकता है वो उन्हें जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये उन्हें कम अट्रैक्टिव लग रहा हो। क्या होता है एग्जैक्टली गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? लेकिन उसके पहले तो जानना पड़ेगा ना कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। देखिए, आप टाटा के शेयर्स खरीद सकते हैं। टाटा जब प्रॉफिट या लॉस में जाएगी तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। इस तरीके से आप टाटा के ओनर बन जाएंगे, एक हिस्सा ओनरशिप का आपके पास भी आ जाएगा बाय दीज शेयर्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है या ETF में क्या होता है कि कई सारी कंपनीज के शेयर्स को ग्रुप कर दिया जाता है, टाटा, रिलायंस और बाकी की कंपनीज। और अब जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो एक्चुअली में आप किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद रहे होते, बल्कि आप अपना पैसा इस ETF में डाल रहे होते हैं। ये एक फंड तैयार कर दिया जाता है। आप इसके शेयर्स खरीद के अपने पैसे को इस फंड में लगा सकते हैं। ये जो फंड है, इसका पैसा उन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा जो इस फंड में शामिल हैं।